वो एक सौदागर था, किसी दूरदराज शहर से गजनी आया था। यहाँ उसे मुश्किलों ने घेर लिया। उसने अपना असबाब तिजारत मुल्क के हुक्मरान के बेटे के हाथ 60,000 दीनार में फरोख्त कर दिया, लेकिन उसे रकम मौसूल नहीं हुई थी। दिन गुजरते जा रहे थे और सौदागर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो उठा और मुमलिकत के हुक्मरान की कयाम गाह पर पहुंचा। उसने सरबराहे मुमलिकत तक अपनी शिकायत पहुंचाई। सरबराहे मुमलिकत को शिकायत सुनकर बड़ा रंज हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर बेटे को पैगाम भिजवाया कि सौदागर की रकम वापस कर दो, वरना काजी के सामने पेश हो जाओ। सुल्ताने वक्त का ये हुक्म जब उनके बेटे के पास पहुंचा, तो उन्होंने अपने खजांची से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रकम है। उसने बताया कि 20,000 दीनार हैं। हुक्मरान के बेटे ने कहा, ये रकम सौदागर को फौरन दे दो और 3 दिन की मोहलत मांग लो। सुल्तान ने मोहलत की दरख्वास्त सुनते ही कहा कि हरगिज़ नहीं, तुम जब तक सौदागर की रकम अदा न करोगे मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। सुल्तान के बेटे में इनकार की मजाल न थी। उन्होंने इधर उधर से कर्ज लेकर अगली नमाज के वक्त तक 60,000 दीनार की पूरी रकम सौदागर को वापस अदा कर दी। ये सुल्तान थे मशहूर आलम रहनुमा महमूद गजनवी, जिन्होंने अपनी मुमलिकत में इंसाफ का परचम सरबुलंद रखा, और उनके बेटे थे मसूद गजनवी, जिन्होंने अपने वालिद के हुक्म की तामील में किसी ताखीर या बहाने से काम न लिया और साबित कर दिया कि इंसाफ हर शख्स के लिए यकसा है। महमूद गजनवी के बाद मसूद गजनवी ही ने हकूमत की बागडोर संभाली। उनका तकरीबन 10 साल अहद हकूमत इल्मी तरक्की के लिहाज से यादगार है। वो सुल्तान महमूद गजनवी के सबसे बड़े बेटे थे। उनके दीगर भाइयों के नाम मोहम्मद और अब्दुल रशीद हैं। मसूद 388 हिजरी में पैदा हुए। वो अपने भाई मोहम्मद से महज चंद घंटे बड़े थे। दोनों की पैदाइश एक ही दिन अमल में आई थी। मसूद की सूरत बहुत अच्छी थी। उन्होंने बड़े होकर अच्छा कद काट निकाला। कम उम्री ही से उन्हें वर्जिश और जोर आजमाई का शौक था। उनकी जिस्मानी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बड़े बड़े भारी पत्थर अकेले उठा लिया करते थे। उन्हें कुश्ती से भी बड़ी दिलचस्पी थी। कुव्वत बर्दाश्त में इजाफे के लिए वो सख्त सर्दी के मौसम में बर्फ पर नंगे पांव चलने की मशक करते थे। मसूद गजनवी को शिकार खेलना भी बहुत पसंद था। बहादुर इस कदर थे कि शेर से दो बदू लड़कर नेजे की मदद से उसे हलाक कर दिया करते थे। उन्होंने तीरंदाजी में भी कमाल हासिल किया था। उनका तीर इतनी कुव्वत से जाता था कि उस दौर में इस्तेमाल होने वाली लड़ाई के मजबूत लिबास को तोड़ता हुआ मुखालिफ के जिस्म में घुस जाता था। मसूद के पास एक नहायत भारी गुर्ज था, जिसे वो महज एक हाथ से उठा लेते थे, जबकि दूसरे अफराद उस गुर्ज को दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाते थे। महमूद गजनवी अपने बेटे की जंगी सलाहियतों के मोतरिफ थे और उन्हें मुख्तलिफ मार्कों में साथ रखा करते थे। 405 हिजरी में महमूद गजनवी मसूद को गौर की लड़ाई में अपने साथ ले गए। गौर का किला फतह करने में मसूद गजनवी की उम्दा तीरंदाजी का बड़ा हाथ था। महमूद गजनवी की ज़िंदगी में मसूद ने गौर और खुरासान की फतुहात में नुमाया कारनामे अंजाम दिए। 406 हिजरी में महमूद गजनवी ने मसूद को अपना जानशीन नामजद कर दिया। 2 बरस बाद उन्होंने मसूद को हरात का हाकिम बना दिया। 411 हिजरी में मसूद गजनवी ने अपने वालिद के हुक्म से गौर में एक जंगी मुहिम की क़यादत भी की और गौर का शुमाली मगरबी हिस्सा भी फतह कर लिया। 420 हिजरी में रे का सूबा फतह कर लिया गया तो महमूद गजनवी ने मसूद को रे का भी हाकिम बना दिया। मसूद ने रे के 2 अफ्तादा हिस्सों को मुती करने के बाद 421 हिजरी में अस्फहान और हमदान भी फतह कर लिए। इसके बाद वो मजीद इलाकों को तस्खीर करने की तैयारियों में मसरूफ हो गए कि उन्हीं दिनों उनको अपने वालिद की वफात की अलमनाक खबर मिली। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया थी।
उन्होंने जजीरा अरब से हिमालय के पहाड़ी सिलसिले तक और मशरिक में कुनून से गजनी और वस्त एशिया तक एक अजीम मुमलिकत कायम की थी। अब इतनी वसी मुमलिकत के तहफ्फुज का मसला दरपेश था, क्योंकि महमूद गजनवी की ज़बरदस्त और पुरहैबत शख्सियत के दुनिया से रुखसत हो जाने से बागियों को शय मिल सकती थी, लेकिन इंतशार के अमल का आगाज खुद मुमलिकत के मरकज से हुआ। ताहम मसूद गजनवी ने अपनी हिकमत अमली से इस पर जल्दी ही काबू पा लिया। मसूद गजनवी को अपने वालिद के इंतकाल की इतला उस वक्त मिली जब वो गजनी से तकरीबन 600 फरसंग दूर सफाहान में थे। वो फौरी तौर पर गजनी रवाना हो गए। गजनी पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि उनके भाई मोहम्मद ने जमामे हुकूमत संभाल ली है। जब मसूद रे की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन कादिर बल्ला का पैगाम मिला कि रे और जो इलाके आपने तस्खीर किए हैं उन पर हमने आपको हाकिम मुकर्रर किया है। उस जमाने में गो के खिलाफत अब्बासिया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद तमाम हकूमतें अब्बासी खलीफा की बालादस्ती और सियादत को तस्लीम करती थी और हुक्मरानी के लिए उनकी रजामंदी हासिल करने को तरजीह देती थी। कादिर बल्ला का पैगाम मिलने पर मसूद गजनवी ने उस पैगाम को नकुल मुख्तलिफ शहरों में भिजवा दिया और खुदरे से रवाना हुए। उन्होंने अपने भाई मोहम्मद को पैगाम रवाना किया कि हमें मिलकर हुकूमत करनी चाहिए, हम आपको हुक्मरान बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुतबों में मेरा नाम भी लिया जाए, सिक्कों पर भी मेरा नाम हो। मैं इराक और रूम यानी तुर्की और यूनान की तरफ तवज्जो दूंगा, आप गजनी और हिंदुस्तान का इंतज़ाम संभालें। मोहम्मद ने जवाब दिया कि आप रे में मौजूद रहे और खुरासान न आने का वादा करे। इस पर मसूद हरात जा पहुँचे। उन्हीं दिनों में सूरत हाल तब्दील हो गई। जिन अमरा ने मोहम्मद को मसनद इक्तदार पर बिठाया था वो उनके खिलाफ और उनसे बेजार हो गए और उन्होंने उनको माजूल करके मसूद गजनवी को दारुल हकूमत आने की दावत दे दी। एक बड़ा लश्कर अयाज और अली दाया की क़यादत में गजनी से निकलकर नीशापुर की सिमत रवाना हो गया। मसूद गजनवी गजनी पहुंच गए और 3 शव्वाल 421 हिजरी को यानी अपने वालिद महमूद गजनवी की वफात के 5 माह बाद उन्होंने मुमलिकत की बागडोर संभाल ली। मसूद गजनवी ने 422 हिजरी में मकरान के इलाके पर फौजकशी की। यहाँ के हाकिम ईसाई ने बगावत की रोश इख्तियार कर रखी थी। इसी तरह कच्छ का इलाका भी गजनी की हकूमत का हिस्सा बन गया। उन इलाकों में मसूद के नाम का खुतबा और सिक्का जारी कर दिया गया। सन 423 हिजरी में मसूद ने जनूबी कश्मीर की पहाड़ियों में सरस्वती नाम के किले पर हमला किया और उसे फतह कर लिया। 426 हिजरी में तब्रिस्तान के हुक्मरान अबू कलंजार ने सरकशी इख्तियार करके अस्तराबाद पर कब्जा कर लिया था। चुनाचे मसूद ने तब्रिस्तान पर हमला किया और अबू कलंजार को इताअत के लिए मजबूर कर दिया। उसने सालाना खिराज अदा करने का वादा किया।